लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, इसके कंट्रोलर्स बनाए थे नीचे और हमने खाली चाइल्ड पेरेंट किया था, पेरेंटिंग की थी और ग्रुपिजन किया था हमने। आज हम करेंगे एक्सप्रेशन एडिटर, जिसके थ्रू जब ये गाड़ी चलेगी तो इसके टायर घूमेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, विंडो में जाओ, एनिमेशन एडिटर में जाओ, एक्सप्रेशन एडिटर लो। हमें सबसे पहले इस कंट्रोलर की, मास्टर कार कंट्रोलर के जेड एक्सिस को कॉपी किया, टायर के ग्रुप की, टायर का जो ग्रुप है सेंटर पिविट कर लेना, एक्स एक्सिस से बाइंड कराना है। कार चलाओ, बाइंड कराने के बाद कार के टायर घूमेंगे पर बहुत धीरे धीरे घूम रहे हैं, आपको दिख नहीं रहेगी वो घूम रहे हैं। तो इनटू लगा दो, इनटू फॉर इंक्रीज इन स्पीड। वो टायर चल पड़े, टायर चल पड़े। अब यही चीज कॉपी करके चार बार पेस्ट करूंगा, और मैंने ग्रुप का नाम व्हील वन, व्हील थ्री, व्हील फोर किया था, चेंज कर दूंगा और अपडेट, एडिट, एडिट फॉर अपडेट। अब चारों टायर चल पड़ेंगे, अरे सेंटर पे पिविट नहीं है ना, सेंटर पे भी, तो वो टायर चल पड़े, दो मिनट के अंदर कार चल पड़ी। अब हमें चाहिए स्टेरिंग, तो स्टेरिंग के लिए आप एक सर्कल लो, ऊपर से घुमाएंगे हम स्टेरिंग को, और फ्रिज जरूर करना है। देखो आप इसकी रोटेशन से बाइंड करो, चाहे स्टेयरिंग को की रोटेशन से बाइंड करो, या आप एक नया एट्रीब्यूट बना दो, यहां से एड एट्रीब्यूट नाम दे दो, स्टेयरिंग -45 to 45 एंड एड। अब देखो क्या स्टेयरिंग नया आ गया, -45 से +45 तक का स्लाइडर बन गया। अब मैं चाहता हूं बाकी मेरे काम के नहीं है, उड़ा दूं, तो पहले राइट क्लिक करके लॉक कर देना। लॉक से क्या होगा, अभी हिल नहीं सकते, अपनी जगह फ्रीज हो चुके। लॉक करने के बाद चैनल कंट्रोल में जाना, इसके सारे स्टेयरिंग को छोड़ के सारे गायब कर दिए, सारे गायब हो गए। एनी डाउट, समझ आ रहे हैं? अब मैं इसके स्टेयरिंग को इसकी रोटेशन वाई से बाइंड करूंगा, यार अपने टायर के ग्रुप से नहीं, सर्कल से। तो वही एक्सप्रेशन यूज करो, एक्सप्रेशन में इसके वाई एक्सिस के रोटेशन स्टेयरिंग के, स्टेयरिंग के स्टेयरिंग वैल्यू से, क्यों स्टेयरिंग तो ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, और स्टेयरिंग इसके एट्रीब्यूट का नाम है, मतलब स्लाइडर का, क्रिएट कर दो। अब देखो क्या होगा, टायर घूम रहा है, दूसरा नहीं घूम रहा, यही लाइन को दूसरी बार कॉपी कर दो, सर्कल का नाम क्या है ये देख लेना पहले, फोर, देखते हैं। दोनों टायर घूम पड़े,
अब एक्सप्रेशन का भी ना आप नाम दे सकते हो, यहाँ पे एक्सप्रेशन का नाम चेंज हो सकता है। तो मान लो इसका नाम आपने दे दिया टायर रोटेशन, इसका नाम दे दिया स्टीयरिंग, तो नेमिंग जरूर कर लेना एक्सप्रेशन की। और इसका नाम है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग वही रह रहा है, तो स्टीयरिंग को भी मास्टर का चाइल्ड, ताकि आगे जाके आप इसको घुमा सको। तो गेम्स में भी ये होता है, पहले आप रिक करके दोगे प्रोग्रामर को, प्रोग्रामर उस रिक को प्रोग्रामिंग से कीज के साथ बाइंड कर देगा। अब हमें चाहिए बोनट। बोनट के लिए हमें इसका जो पिविट पॉइंट है पीछे रखना होगा। बोनट के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो एक सर्कल लिया, उसे हैंडल बना दिया बोनट का, फ्रिज कर दिया, क्या करें इसकी वाई को, ट्रांसलेट वाई को इसकी रोटेशन एक्स से बाइंड कर दो। पर उल्टा चल रहा है तो माइनस लगा दो, स्पीड कम है तो इनटू लगा दो। मैं चाहता हूं इस लिमिट बन जाए यहां पे, तो लिमिट लगाने के लिए मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कंट्रोल ए करना, कंट्रोल ए से विंडो खुल जाएगी, इसमें आएगा लिमिट इंफॉर्मेशन। मुझे लिमिट लगानी है ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट के वाई एक्सिस में, ठीक है, ट्रांसलेट के वाई एक्सिस में। मैं चाहता हूँ दो यूनिट से ज़्यादा ना जाए, दो यूनिट कम है, तीन यूनिट्स यहाँ तक, यहाँ तक, और जीरो से नीचे ना जाए, मतलब इससे नीचे ना जाए। लो बोनट भी बन गया आपका, है ना बढ़िया चीज। अब हमें चाहिए जैसे डोर, तो डोर के ग्रुप के पिविट पॉइंट को पहले सेट करो, ठीक है, इसके वाई एक्सिस को
अब देखो डिपेंड करता है स्लाइडर कौन सा बना रहे हो। पहले तो स्लाइडर हमने बनाए, अब मैं दूसरी चीज बताने जा रहा हूं आपको कि स्लाइडर हमें बने बनाए मिलेंगे कौन सी लैंग्वेज में, मेल लैंग्वेज में, MEL, मेल, माया एम्बेडेड लैंग्वेज। देखो हमारे पास मेल लैंग्वेज है, फेशियल, अगर हमें फेशियल के चाहिए फेशियल के भी हैं और रिक के चाहिए रिक के भी हैं, तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये बता रहे हो। यहाँ पे जाना सबसे नीचे, दिख रहा है, स्क्रिप्ट एडिटर बोलते हैं इसको। ये पहले की स्क्रिप्ट है जो हमने सर्कल वर्कल लेके हिस्ट्री बन गई है, इसे आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। खाली हो गया, नहीं करोगे तो अभी चलेगा, मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि जो नई चीज कर रहा हूँ वो आपको साफ दिखे, कंफ्यूजन ना हो। लॉर्ड स्क्रिप्ट में जाना, मुझे चाहिए मान लो फेशियल के कंट्रोलर्स, तो मेल में जाना, फेशियल GUI, GUI मीन्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अब देखोगे ये स्क्रिप्ट अपने आप लोड हो गई यहाँ पे, आपको क्या करना है लास्ट में कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है, सिर्फ लास्ट में जाके, तो देखोगे ये UI खुल गया। अब आपको माउथ के लिए कंट्रोलर चाहिए तो माउथ के ले लो, क्रिएट, माउथ का कंट्रोलर आ गया होगा। एक ब्लैंक फाइल पे दिखा रहा हूं मैं आपको, पहले माउथ का चाहिए, जॉ का चाहिए, क्रिएट। तो देखो ये स्लाइडर्स आ गए ऑटोमेटिक, इससे बाहर नहीं जाएंगे, या खुद भी बना सकते हो। एक्सप्रेशन एडिटर जैसे स्टेरिंग किया, सिंपल स्लाइडर्स बने बनाए आ रहे हैं, बनाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो ये जो विंडो खुली, ये जो विंडो खुली, मैं ऊपर किसी अपने कस्टम में या अपने नाम का, ये तो पहली क्लास में बताया था ना कैसे बनाते शेल्फ एडिटर, अपने नाम का शेल्फ एडिटर बनाया उसमें लोड करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो, लोड किया, इस पूरी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया ऐसे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब इसे बंद करो, अब जब भी इस पर क्लिक करोगे ना वो विंडो ऑटोमेटिक खुल जाएगी, समझ आया। अब दूसरी वाली एक और भी है, उसे भी लोड करते हैं। पर इस स्क्रिप्ट में ना हमें एक कुछ टाइप करना पड़ता है लास्ट में, सी में लिखा हुआ है, हमें ये लिखना पड़ेगा सबसे लास्ट में, और फिर कंट्रोल एंटर, यहां ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, देख रहे हो। तो अब क्या करते हैं, मैं ये तो हटा रहा हूं पहले वाले, ये नए वाला जो हमने दो दो एडिटर है हमारे पास, आप इसे कार के लिए यूज कर सकते हो, जैसे मैंने स्टेरिंग यूज किया था ना, आप ये यूज कर सकते थे, इसे घुमा के स्टेरिंग घुमा सकते थे, रोटेशन ये ले सकते हो रोटेशन के लिए, मतलब बनी बनाई शेप्स हैं ये, हम कैरेक्टर में यूज करेंगे ये सारी शेप्स। हैंड बना बनाया कैरेक्टर के लिए स्पेशल, लाइक जैसे पॉइंटर, देखो उस बनी बनाई शेप से आप खुद भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बनाना बताऊं, पहले बता चुका हूँ सिंपल ट्रैक करके, जैसे मुझे एरो बनाना है, पर देखो स्मूथ बन रहा है, मैं चाहता हूँ स्मूथ ना बने, तो कर्व के अंदर आता है लीनियर, डबल क्लिक करोगे इसका एट्रीब्यूट खोल के लीनियर करना, फिर आप शार्प बना सकते हो, समझ आया।
तो अपना बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए यहाँ मिलेंगे। तो मैं एक्सप्रेशन से बाइंड करना पड़ेगा, लिमिट तो लगी हुई ना फेशियल वालों में, वही यूज करूंगा अभी मैं। जो हमारी कार है ना उसके लिए मैं एक स्लाइडर ले लेता हूँ डोर के लिए, यहाँ पे दो स्लाइडर लगा दूंगा, एक लेफ्ट डोर एक राइट डोर। मैं ले लेता हूँ जॉ कटर, ये बन गया। देखो ये मूव कैसे करते हैं, अप की प्रेस करना, ग्रुप सेलेक्ट हो गया और फिर जैसे मर्जी आप मूव कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसे डिलीट मार दो जॉब को, मुझे इसको डोर से बाइंड करना है। लेफ्ट डोर दो ले लेते हैं, एक लेफ्ट डोर एक राइट डोर। मैं चाहता हूं इसको इधर करूं तो डोर ओपन हो, इधर करूं तो डोर क्लोज हो। ओपन एक्सप्रेशन एडिटर, स्किल ट्रांसलेट एक्स को, इसके रोटेशन वाई से बाइंड कराना है। देखते हैं क्या हुआ, स्पीड बड़ी कम है। तो क्या करेंगे, इनटू या डिवाइड, इनटू। हाँ अब नेगेटिव भी लगाना है क्योंकि उल्टा खुल रहा है, नेगेटिव। इसे ही आना फ्रिज कर दो, फ्रिज नहीं होगा तो इधर ले जाऊं तो ये डोर खुले, यही कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यहां ना जाए तो लिमिट लगा दो, लिमिट जीरो। अब इधर जाएगा ही नहीं, इधर ही जाएगा, समझ आया। तो ऐसे ही सेम आपको राइट डोर बनाना है। तो आज क्या करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे करेंगे।